उत्तरकाशी में शिवलिंग हिमशिखर में फंसे दो पर्वतारोहियों में से एक की खाई में गिरने से मौत हो गई है, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिछले 3 दिनों से दूसरा पर्वतारोही बेहोश पड़ा हुआ है, जिसके रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एसडीआरएफ और यहां पर 6 टीमें जुटी हुई हैं। बता दें कि पोलैंड का 5 सदस्यीय दल 24 सितम्बर को गोमुख से आगे तपोवन के सामने शिवलिंग आरोहण को गया था। दल समीट कैंप पहुंचा, लेकिन 2 साथी बीमार पड़ गए। इस पर 3 सदस्य नीचे उतरे और इसकी सूचना दूतावास तक पहुंचाई गई। रेस्क्यू दल के मुताबिक एडवांस बेस कैंप से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर समीट कैंप है, जहां दूसरा साथी फंसा हुआ है। एक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। खाई में गिरने से यहाँ पर लुकास की मौत हो चुकी है। पोलैंड का ये 5 सदस्यीय दल शिवलिंग आरोहण पर गया था, जिसमें से एक सदस्य की इसमें मौत हो चुकी है और दूसरा अभी फंसा हुआ है। 24 सितंबर को ये लोग आरोहण पर गए थे। दूसरे साथी की तलाश में सेना और एसटीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। शिवलिंग हिमशिखर में 2 पर्वतारोही फंसे थे, जिसमें से एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। ये जो शिवलिंग पीक में 5 पोलिस दल गया था चढ़ इसको पीक करने के लिए, उनमें से 2 व्यक्ति नॉर्थ फेस से क्लाइंब करना चाह रहे थे, जिनमें से एक व्यक्ति को स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उसी को सेव करने के लिए और जो दूसरा व्यक्ति उनके साथ है माउंटेनियर, वो वापस लौट रहा है। इनको सेव करने के लिए एसडीआरएफ और एनआईएम की टीम गई हुई है आर्मी हेलीकॉप्टर से, और वो चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवित है जो वापस लौट रहा था बेस कैंप में, उसको विंच करके उसे किसी तरीके से सेव कर लिया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता सुरेश पवार का। सुरेश, फिलहाल क्या स्थिति है? दूसरा साथी जो है वो अभी भी यहाँ पर फंसा हुआ है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है? जी, मैं बता दूं आपको कि ये पोलैंड का जो 5 सदस्यीय दल था वो 22 सितंबर को शिवलिंग आरोहण के लिए गंगोत्री से रवाना हुआ था, और बताया जा रहा है कि दल के जो 2 सदस्य थे माइकल और क्रेजनोस की, ये शिवलिंग पीक को आरोहण की जो इन्होंने शुरुआत की थी, और जैसे ही ये पर्वतारोही जो है 62 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में जो है इन्होंने 8 दिन लगाए, उसके बाद अचानक ये माइकल की तबीयत खराब हो गई और कोमा में चले गया। इस पर जो जैन क्रेजनोस की जो दूसरा पर्वतारोही था, उसने जो बेस कैंप हो इसकी जानकारी दी और वो ये नीचे उतरा, लेकिन ये खुद भी उसमें फंस गया, और इस दौरान जो है जैसे ही इसका पता चला वैसे ही उसको जो है सेना ने जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से सर्च करने की कोशिश की, और शिवलिंग पीक के जो सेना के जो हेलीकॉप्टर थे उन्होंने 3 राउंड मारे, लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हो पाई। बाद में हेलीकॉप्टर निम का जो एनआईएम जो यहाँ पे है उनके दल को बेस कैंप तक तपोवन में पहुंचाया, और उसके बाद ये वहाँ पहुंचे। लेकिन गुरुवार को जैसे ही एसडीआरएफ की टीम और पोलैंड के जो शीर्ष जो 3 पर्वतारोही थे उनको रेस्क्यू दल जो करीब 500 मीटर ऊंचाई पर जो घायल पड़े जो क्रेजनोस्की थे उसको लेने पहुंचे, तो जैसे ही उन्होंने क्रेजनोस्की को देखा तो क्रेजनोस्की का जो हरकत देखी उन्होंने बेस कैंप जो वो थे उनको देखते ही क्रेजनोस्की का जो संतुलन था वो बिगड़ गया, और वो लगभग 300 मीटर जो बर्फ की खाई थी उसमें गिर गए और उनकी जो है मौके पर ही मौत हो गई। और दूसरा जो घायल था उसको लाने के लिए जो निम की टीम है वो अभी उसको ला रही है। जी बिल्कुल, तो अभी मतलब स्थिति क्या नजर आ रही है, कितना वक्त और लग सकता है अभी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी, अभी जो निम की टीम है और जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगभग जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो जहाँ पे जो दूसरा जो सदस्य है माइकल वो फंसे हुए हैं ऊपर की तरफ, काफी ऊपर फंसे हुए, तो वहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं, और उसके बाद ही उसको बताया जा रहा है कि लगभग जो है वो भी काफी डैमेज स्थिति में है और उसको रेस्क्यू करने के लिए वो पूरा कार्य कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि इसको लाने के लिए काफी समय लगेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।